अमन इलेक्ट्रिकल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं प्रेस के बारे में बताऊंगा। ये उषा की प्रेस थी मेरे पास, ये इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं इसे, ई आई है दोस्तों, इलेक्ट्रिक आयरन ई और आई। और इसका मॉडल नंबर है EI1602, इसका मॉडल नंबर है। और ये दोस्तों ये मुझे मिली है 845 की, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक आयरन है, इसका मॉडल नंबर मैंने आपको बता दिया, 240 वोल्ट AC, 50 हर्ट्ज़। और ये इसके वाट 1000 वाट की है। इसकी क्वालिटी एक है, ये मैंने एक ली थी। और जैसे कि यहाँ पर आपने देख लिया डिस्प्ले में, तो इसके अंदर खोलते हैं दोस्तों। इसके अंदर मिला एक एक मैनुअल, इसे मैनुअल कहते हैं, उषा का मैनुअल है, इस प्रेस का मैनुअल। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन, ये हमने लिया है। तो यहाँ पर कुछ बॉडी के पार्ट है जो यहाँ पर बताए गए हैं हमें, यहाँ पर इसके कुछ। तो यहाँ पर एक नंबर जैसे इन्होंने बता दिया है कि हमारा हैंडल है, ये हमारा हैंडल, जिसे ये हमारा हैंडल एक नंबर बताया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे बताया हुआ है। 2 नंबर हमारा थर्मोस्टेट की नोब है, ये आप देख रहे हैं 2 नंबर। तो यहाँ पर पार्ट के बारे में 1 से लेकर 10 तक जितने पार्ट है डिफाइन करे हुए, जो हमें बाहर दिख रहे हैं। तो इनका मॉडल नंबर एक और ये हमारे पास है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये दूसरा मॉडल है इनका, EI2102, ये आपने देखा होगा पुराने जो आते थे, ये इनका नवा मॉडल है। ये इनका पुराना हॉर मॉडल है, ये पुराना हॉर, ये देख रहे हैं 2802। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2602, ये इनका मॉडल नंबर है। तो दोस्तों इसकी मैंने बता दिया था, इसकी वोल्टेज 1000 वाट की है, वोल्टेज 240 वोल्ट AC और 50 हर्ट। यहाँ पर इसके फीचर के बारे में बताया गया दोस्तों, और यहाँ पर इसके सेटिंग टेम्परेचर के बारे में बताया गया। तो ये मैनुअल दोस्तों इतने में हो गया ख़त्म, मैनुअल करते बंद। और ये हमारी है प्रेस उषा की, ये आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रेस नवी है और ये काफ़ी ठीक भी है, काफ़ी हल्की है दोस्तों, मैंने इसे यूज़ भी है करा। और ये इसकी नोब है थर्मोस्टेट की, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मिनिमम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों मैक्सिमम लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं, कॉटन है आपका, वूल है, सिल्क है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप देख रहे होंगे सिल्क, वूल, कॉटन, सिंथेटिक। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंडिकेटर है, जब भी ऑन करते हो तो यहाँ पर इंडिकेटर ऑन हो जाता है। और ये काफ़ी अच्छी यूज़ हो रही है, इसमें वाटर वाला नहीं दिया। तो ये प्लग है दोस्तों, और इस प्लग को मैं इसमें ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक इंडिकेटर आपके सामने ऑन हो गया। इंडिकेटर ऑन होने के बाद दोस्तों ये प्रेस काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, क्योंकि 1000 वाट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है। और यहाँ पर हमारे पास कपड़ा है एक, और ये जीन्स की पैंट को मैं ऐसे 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 प्रेस आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी ये ऑफ हो गया, क्योंकि ये आउट ऑफ कट हो गई है, क्योंकि थर्मोस्टेट दोस्तों इसी ही काम आता है कि जब हमारी प्रेस गर्म हो जाए उसके बाद ये कट हो जाए। तो दोस्तों थर्मोस्टेट हमारा इसी काम आता है। तो आपके जो भी है कपड़ा आप उसके सेट कर सकते हैं, जो आपको इसकी नोब दिख रही है वहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। आपके कॉटन है, वूल है, उसमें सेट करने के बाद इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इंडिकेटर तब ऑन होगा जब हमारा इसमें हीट कम हो जाएगी, जैसी हीट बढ़ जाएगी ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा और यहाँ इसकी लाइट भाग जाएगी। एक आवाज़ भी आती है दोस्तों इसमें टक, दोस्तों शायद आपको वीडियो में ना आए पर आप खुद भी देखें एक बारी अपनी प्रेस में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो में
कहने से पहले आप जब भी अपनी प्रेस को रखें ऐसे मत रखें, ऐसे रखें और स्विच ऑफ जरूर कर लीजिए जब आपको यूज़ नहीं करना है। और प्रेस को दोस्तों हमेशा ऐसे ही रखें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।